तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। तो सबसे पहले देखते हैं कि संधारित्र का संयोजन क्यों जरूरी है, किस तरह होता है। तो दो या दो से अधिक संधारित्र क्यों जोड़ते हैं? अगर हमको अधिक वोल्टेज चाहिए, हमको अधिक एनर्जी चाहिए, या कम वोल्टेज चाहिए, कम एनर्जी चाहिए, ऊर्जा के लिए, वोल्टेज के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, संधारित्रों का समायोजन करते हैं। हालांकि समायोजन दो तरह का होता है, अगर दोनों तरह को एक में मिला देते हैं तो तीन तरह का हो जाता है, लेकिन दो ही तरह का पढ़ना हम लोगों को, पैरेलल यानी समांतर संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। तो समांतर और श्रेणी को पहले समझ लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। संधारित्रों के संयोजन में मैं कहा कि दो तरह के होते हैं। पहला होता है समांतर संयोजन और दूसरा होता है श्रेणी संयोजन। पहले दोनों में अंतर देख लेते हैं, फिर दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहले अंतर देखते हैं क्या होता है। अगर हमारे पास संधारित्र का नोटेशन क्या होता है, कैसे इसको संधारित्र को हम सिंबल के रूप में बनाएंगे, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है। दो पैरेलल लाइन अगर हम ऐसे खींच दें, ऐसे दो पैरेलल लाइन, और दोनों पैरेलल लाइन को एक कंडक्टर वायर से जोड़ दें, चालक तार से जोड़ दें, तो यह समायोजन कहलाता है संधारित्र। कि कोई भी संधारित्र हो सकता है, चाहे वो समांतर प्लेट संधारित्र हो, चाहे बेलनाकार संधारित्र हो, चाहे गोलाकार संधारित्र हो। ये संधारित्र का जो है नोटेशन है, ये उसका प्रतीक चिन्ह है। ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसमें दो प्लेटें होती हैं और दोनों प्लेटों को एक कंडक्टर वायर से जोड़ देते हैं, तो इसको बोलते हैं संधारित्र। हमारे पास अगर तीन संधारित्र ऐसे हैं, संधारित्र नंबर एक, दो और तीन, तीन संधारित्र हैं हमारे पास, और तीनों संधारित्रों से ऐसे हमने एक एक वायर ऐसे निकला हुआ होता है, एक एक कनेक्टिंग वायर बोलते हैं इसको। अगर सबको एक साथ जोड़ दें इस वायर को, ऐसे सबको एक साथ जोड़ दें, और इससे एक क्या करें, एक बैटरी को जोड़ दें, ऐसे इस तरह से एक बैटरी को। ध्यान देना है ये बैटरी है, बैटरी का मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। छोटा जो होता है इसका मतलब होता है माइनस, और जो बड़ी लाइन है इसका मतलब होता है प्लस। ये हाई पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल पे है। इसमें दोनों लाइनें बराबर होती हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, संधारित्र। दोनों में अंतर है। अब ये तीन इस संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, इसको बोलते हैं प्लेट नंबर एक, इसको बोलते हैं प्लेट नंबर दो। इसमें भी ये प्लेट नंबर एक, प्लेट नंबर दो, प्लेट नंबर एक, प्लेट नंबर दो, दो दो प्लेटें, सब में दो प्लेटें होती हैं। सभी संधारित्र के जो पहली प्लेट है, देखिए सबको, सबके पहली प्लेट को एक साथ कनेक्ट किया गया है। इस पॉइंट को अगर हम ए मान लें और इस पॉइंट को हम बी मान लें, अब बी पॉइंट पर संधारित्र की सभी दूसरी प्लेटों को कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है। अगर हमको ए से बी तक आना है तो हमारे पास तीन रास्ते हैं। ए से चलेंगे ऐसे, संधारित्र के नंबर एक, अगर संधारित्र नंबर एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं, इसको तीन मान लेते हैं, संधारित्र का नंबरिंग है। ए से चले, संधारित्र नंबर एक के पहली प्लेट पे पहुंचे, यहां से जंप लगाया, अब फिर ऐसे आकर के बी पर पहुंच गए। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता, ए से चले, संधारित्र के तीन नंबर पे आए, पहली प्लेट से जंप लगाए, दूसरी पर गए, और दो से यहां होते हुए हम बी पे पहुंच गए। एक तरीका और है कि यहां ए से चले और दूसरे नंबर का जो संधारित्र है यहां से जंप लगाए और यहां पर बी पर पहुंच गए। तो हमारे पास बी से बी तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं। चार संधारित्र हो चार रास्ते हैं, दो संधारित्र हो दो रास्ते हैं, एक से अधिक ही जोड़ा जाता है, एक है तो अपने आप में परफेक्ट है। तो इस तरह से जितने रास्ते होंगे अगर पहुंचने के, तो ये दो या दो से अधिक रास्ते हैं पहुंचने के लिए, तो हम समझ जाएंगे वो किसमें जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। समांतर क्रम का मतलब आप समझ गए होंगे। समांतर क्रम को पहचानने का तरीका हमारे पास ये है कि संधारित्र की पहली प्लेट एक पॉइंट पर हो और संधारित्र की दूसरी प्लेट
एक पॉइंट पे जुड़ी हो, तो हम कहेंगे ये संधारित्र किस क्रम में है, ये संधारित्र किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर संयोजन में है। ठीक ऐसे ही अगर हम संधारित्र को ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, ये तीन संधारित्र है और इसको हमने एक बैटरी से ऐसे जोड़ दिया, ऐसे ये संधारित्र की पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट। अब क्या है इसमें, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, हमें ए से बी पे जाना, तो ए से चलेंगे तो संधारित्र नंबर एक, संधारित्र नंबर दो, संधारित्र नंबर तीन, ए पर जंप लगाया, फिर संधारित्र नंबर एक पर जंप लगाया, फिर आगे बढ़ा, दूसरे पर जंप लगाया, तीसरे पे बढ़ा, फिर उस पर जंप लगाया, और तब जाके पहुंचा बी पर। अरे जंप पर जब जहां जहां लगातार जंप लगता रहता है तो समझिए उतने संधारित्र क्या है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का एक तरीका और होता है, संधारित्र की जो पहली संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, और इस दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, यह संरचना चलती रहे तो कहेंगे सब किस में है, वो श्रेणी क्रम में है। ध्यान देना है हमको, पहले तो पहचानना है कि श्रेणी में कौन है और समांतर में कौन है, इस चीज को बहुत जरूरी से पहचानना। अगर यह पहचान नहीं पाएंगे तो फिर इसका न्यूमेरिकल मुश्किल हो जाता है। तो ये समझिए आप इस बात को कि श्रेणी और समांतर होता क्या है, क्यों होता है। हमने बताया कि अगर हमें संधारित्र को बढ़ाना है, अगर हमारे हमको 10 बाल्टी, हमें 1000 लीटर पानी की आवश्यकता है और 1000 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो 1000 लीटर का टैंक लेकर के हम घूम नहीं सकते हैं। हम क्या करेंगे, 10-10 लीटर की बाल्टी में पानी भर देंगे, 10 लीटर की बाल्टी में 10 लीटर पानी भर देंगे और आराम से कैरी करके लेके चले जाएंगे, काम कर लेंगे। और वैसे ही हम बड़ा संधारित्र बनाने से अच्छा है छोटे छोटे संधारित्रों को बनाएं और उनको जोड़ें, श्रेणी में जोड़ें कि समांतर में जोड़ें। अब जोड़ने के लिए फार्मूला तो हम बताएंगे ही, पहले जोड़ने का तरीका क्या होता है और समझेंगे कैसे कि कौन श्रेणी में है और कौन समांतर में है। एक एग्जाम्पल आप और देखिए, दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको, ऐसे हमारे पास ऐसे तीन संधारित्र हैं, ऐसे ही तीन संधारित्र हमारे पास हैं और ऐसे वायर निकले हुए हैं, देखिए ऐसे वायर निकले हुए हैं, वायर इसका निकला हुआ है। हमने क्या किया, इस वायर को ला करके यहां पे जोड़ दिया और इस वायर को ला करके यहां पे जोड़ दिया। ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। सेम ऐसे ही संधारित्र हम बनाते हैं, ऐसे तीन संधारित्र ऐसे जोड़े गए हैं, तीन संधारित्र देखिए, ऐसे तीन संधारित्र और यहां पर ए है और यहां पर बी है। हमने क्या किया, वायर लिया और ऐसे जोड़ दिया, वायर लिया और ऐसे जोड़ दिया। देखिए ये तीनों एक साथ हैं, ये तीनों एक साथ हैं, ये तीनों ऊपर नीचे हैं, तीनों ऊपर नीचे हैं, लेकिन यहां पर ये किसमें है, समांतर में। यहां पे समांतर में नहीं है, ये किसमें है, श्रेणी में। देखिए ए से चलेंगे तो जंप लगाएंगे, फिर ऐसे कनेक्टिंग वायर से होते हुए आएंगे, फिर यहां जंप लगाएंगे, फिर ऐसे होते हुए आएंगे यहां। तीन बार हमने लगातार जंप लगाया, इसका मतलब ये किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। और ठीक ऐसे ही देखिए, ए से बी पे पहुंचना हो तो संधारित्र नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ए से चला और ऐसे चलता रहा और यहां पर आया, जंप लगाया, पहुंच गया, एक जंप लगाया, पहुंच गया। फिर देखिए क्या हुआ, यहां से चलाया, जंप लगाया और आकर के ऐसे बी पे पहुंच गया। एक तरीका और देखिए, यहां से चला, यहां पे आया, इधर जंप लगा के यहां पे आया और यहां पे, तीन बार हमने जंप लगाया। इसका मतलब तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। यहां पर ए से बी तक पहुंचने में लगातार तीन बार जंप नहीं लगा रहे हैं, यहां पर पहुंचने के लिए केवल एक बार की जंपिंग में पहुंच जा रहे हैं, यहां पर लगातार तीन बार जंप लगा रहे हैं, जहां पर सक्सेसिव जंप हो, समझने का तरीका है, सक्सेसिव लगातार हो तो समझ जाएंगे वो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और एक के बाद एक जंप से पहुंच गए, दूसरे जंप से पहुंच गए, तीसरे से पहुंच गए, तो समझ जाएंगे वो किस में है, समांतर में है। दो तरह के होते हैं। अब कभी कभी न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है उसमें कुछ श्रेणी में भी होते हैं और कुछ समांतर में भी होते हैं, तो श्रेणी और समांतर को आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आगे वाले आर्टिकल में फिर से देखिए कैसे होता है।
तो देखिए नंबर एक समांतर संयोजन, समांतर संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है देखिए अभी हम बताए हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीन संधारित्र हमारे पास हैं और तीनों को पैरेलल में जोड़ने का तरीका क्या होता है कि तीनों से जो कनेक्टिंग वायर निकले हुए हैं सबकी पहली प्लेट को एक पॉइंट पर और सबकी दूसरी प्लेट को एक पॉइंट पर ऐसे कनेक्ट कर देंगे ऐसे, और इसको क्या करेंगे एक सेल से ऐसे जोड़ देंगे। कहीं कहीं पर अर्थिंग भी, अर्थिंग का मतलब होता है निगेटिव जीरो और इसका मतलब होता है पॉजिटिव। सेल से जब जोड़ेंगे ऐसे प्लस है और ये क्या है माइनस है। मान लेते हैं कि तीनों की धारिता इसकी C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, और इसमें से जब बैटरी से जब निकलेगा आवेश, जब निकलेगा ऐसे Q आवेश मान लेते हैं निकलता है Q आवेश, जब Q आवेश यहां से निकलेगा और इस पॉइंट A पर पहुंचेगा तो ये आवेश कई भागों में बटेगा, तीन भागों में बटेगा, बंटवारा हो जाएगा, समय बराबर बराबर नहीं आएगा क्योंकि सबकी धारिताएं क्या है अलग अलग है। इसमें कुछ और जाएगा, इसमें मान लेते हैं आवेश गया Q1, इसमें गया Q2, इसमें गया Q3। यहां पर अगर मान लीजिए आवेश जो है चार आवेश है, यहां पर मान लीजिए पांच आवेश है, यहां पर मान लीजिए तीन आवेश है, तो प्रेरण द्वारा उतना ही यहां पर निगेटिव आवेश आ जाएगा, प्रेरण द्वारा उतना ही निगेटिव आवेश। इस पर आया कितना Q1 Q2 Q3। अगर इस सेल का विभवांतर मान लेते हैं भी है, इस सेल का जो सेल हमारे पास है इसका विभवांतर भी है, विभवांतर हमेशा कितने बिंदुओं के बीच में होता है दो बिंदुओं के बीच में, और ये सिर्फ कहां किसके किसके बीच में जुड़ा हुआ है ए और बी, और ए और बी के बीच में संधारित्र C1 भी है, संधारित्र C2 भी है, संधारित्र C3 भी है, यानी दो बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ है तो इसका भी विभवांतर भी होगा, इसका भी विभवांतर भी होगा और इसका भी विभवांतर भी होगा। विभवांतर का मतलब ही होता है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, और दोनों बिंदुओं के बीच में का विभवांतर कितना है भी, इसलिए इसका भी इस प्लेट का विभवांतर भी, इस प्लेट का भी विभवांतर भी, इस प्लेट का भी विभवांतर भी होगा। थोड़ा सा लिख लेते हैं हम, माना तीन संधारित्र जिनकी संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 व C3 हैं, बिंदु A व B के बीच समांतर क्रम में जुड़ी हैं, समांतर क्रम में जुड़ी हैं, बिंदु A और B के बीच में समांतर क्रम में जुड़ी हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी है। जब सेल से क्यू आवेश बिंदु A पर दिया जाता है, तो तीनों संधारित्र पर क्रमशः तीनों संधारित्र की पहली प्लेट पर, संधारित्र की
पहली प्लेट पर क्रमशः Q1, Q2, Q3 आवेश संचित हो जाता है और दूसरी प्लेट पर और दूसरी प्लेट पर प्रेरण द्वारा उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अतः दिया गया आवेश क्यू बराबर अतः दिया गया आवेश क्यू बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 समीकरण नंबर 1। जो आवेश हमने यहां से Q दिया है, ये Q का बंटवारा कई भागों में हुआ है, 3 भागों में, इसलिए Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये समीकरण नंबर 1। तीनों संधारित्रों के प्लेटों के बीच का विभवांतर भी समान है, इसलिए Q1 बराबर C1 भी फार्मूला होता है। Q इक्वल टू क्या होता है? CV। इसको कितना आवेश दिया गया? Q1। तो Q1 बराबर इसकी धारिता कितनी है? C1। तो Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी। तो Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी। Q1, Q2, Q3 का मान समीकरण 1 में रखने पर Q1, Q2, Q3 का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना हो जाएगा? Q बराबर C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, या Q बराबर भी का मान C1 प्लस C2 प्लस C3 समीकरण नंबर 2। अब देखिए, हमें निकालना है कि तीनों संधारित्रों को मिलाने पर इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी तीनों को। तो हम मान लेते हैं तीनों को मिलाने पर एक संधारित्र ऐसा है, एक संधारित्र जिसकी धारिता C है, C1 C2 C3 को मिलाने पर C है। तो इस C को कितना आवेश दिया गया? क्यू। इसका भी विभवांतर कितना होगा? भी। इसका मतलब इसको दिया गया आवेश क्यू बराबर क्या होगा? सी भी। तो लिख सकते हैं इसे संयोजन की तुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता बोलते हैं, तुल्य धारिता सी हो तो दिया गया आवेश क्यू बराबर क्या लिखेंगे? सी भी। दिया गया आवेश क्यू बराबर, इसकी तुल्य धारिता हमने सी माना, बनाने की जरूरत नहीं है, समझिए केवल ए सी है तुल्य धारिता, तीनों को मिला करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू सी, और ये इसका भी विभवांतर कितना है? भी। समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 और 3 से देख लीजिए, समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से दोनों का जो है बायां पक्ष बराबर है, दायां पक्ष बराबर होगा, तो सी भी बराबर सी
सी भी बराबर भी कॉमन है, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, बी से भी कैंसिल, सी बराबर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, इसे कहते हैं समांतर संयोजन। समांतर संयोजन में फार्मूला क्या निकला, सी बराबर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। अभी अगर पैरेलल में हमारे जो है ये संधारित्र रखे गए हैं, अगर इसको तीन माइक्रो फैरेड का है, चार माइक्रो फैरेड का है, पांच माइक्रो फैरेड का है, तो पांच चार नौ तीन बारह माइक्रो फैरेड हो जाएगा, जोड़ देंगे डायरेक्ट। इसमें एक पॉइंट नोट कर लेंगे हमेशा के लिए, नोट में नंबर एक, समांतर क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर समान होता है, ये याद रखना चाहिए। और रहता भी है, समांतर क्रम में जो जोड़ा जाएगा तो हर एक संधारित्र का विभव समान होगा। अगर जोड़ा गया है, ऐसे यहां पर लिखा हो 20 वोल्ट, तो समझ जाएंगे भी 20 वोल्ट का, ये भी 20 वोल्ट का, इसके भी प्लेटों के बीच का विभवांतर 20 वोल्ट का है, ये आपको समझ आना है। समांतर में है था हमेशा नहीं, समांतर में। और नंबर दो याद रखेंगे, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो लिख देंगे नंबर दो, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगर भिन्न भिन्न धारिताएं हैं तो आवेश क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। अगर धारिताएं समान हैं तो आवेश भी क्या होगा, समान होगा, ये ध्यान रखना है। भिन्न, चूंकि इसमें हमने भिन्न भिन्न संधारित्र लिया है तो आवेश की मात्रा भी क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। अगर दो की धारिता बराबर बराबर है तो इन दोनों में आवेश भी क्या होगी, बराबर बराबर होगी, तीसरे में अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान देना है आप। लेकिन इसकी धारिता कुछ भी क्यों ना हो, चाहे बराबर हो चाहे भिन्न भिन्न हो, इस विभवांतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विभवांतर हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा, चाहे इसकी धारिता समान हो चाहे इसकी धारिता भिन्न भिन्न हो। लेकिन आवेश में यह नियम पालन नहीं होता है। आवेश में क्या होता है कि आवेश में जब बराबर बराबर के दो संधारित्र होंगे तो दोनों पर आवेश बराबर बराबर जाएगा। अगर सब पर धारिता भिन्न भिन्न है तो आवेश भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो इसको बोलते हैं समांतर संयोजन। अब हम देखते हैं श्रेणी संयोजन कैसे होता है। श्रेणी संयोजन दूसरा देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में बताए हैं हम तीन संधारित्र ऐसे रहेंगे और तीनों संधारित्र जो है, हर संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी रहेगी ऐसे, और इसे क्या करेंगे, ऐसे एक सेल से ऐसे जोड़ देंगे। कहीं कहीं पर अर्थिंग भी किया गया है, यहाँ पर कहीं कहीं सेल से भी जुड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस है, ये प्लस है, ये कितना वोल्ट का बैटरी दिया गया है, वी वोल्ट की बैटरी दी गई है। उसमें ए से बी पर पहुंचने के लिए हमारे पास कितने रास्ते थे, तीन रास्ते, और वहां पहुंचने के लिए केवल एक बार जंप लगाना है। या तो पहली संधारित्र को जंप लगाइए, या दूसरी संधारित्र को जंप लगाइए, या तीसरी संधारित्र को जंप लगाइए। और जंप लगाने में एनर्जी खर्च होती है, वो एनर्जी कौन देता है, वी देता है। तो एक बार भी था तो भी के बराबर ऊर्जा मिलती है, आप जंप लगा के चले जाते हैं। यहां पर देखिए क्या होता है, तीन संधारित्र हैं, इसका मान लेते हैं संधारित्र C1 है, इसका C2 है और इसका C3 है, तीन संधारित्र हैं। और ये पॉइंट हमारा ये है और ये पॉइंट यहां भी है। तीन संधारित्र में अब क्या करते हैं हम कि यहां से क्यू आवेश देते हैं, क्यू आवेश। जब क्यू आवेश देंगे तो संधारित्र की पहली प्लेट पर ऐसे आवेश जो है आकर के इकट्ठा हो जाएगा। जब यहां पर आवेश मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश यहां पर आ गया, तो प्रेरण द्वारा आप जानते हैं एक आवेशित वस्तु के पास एक अनावेशित वस्तु को लाते हैं तो क्या होता है, वो भी
पोलराइज हो जाता है, प्लस अलग हो जाता है, माइनस अलग हो जाता है। ठीक वैसे ही इस पर जो है टोटल चार्ज कितना है, न्यूट्रल है, बिल्कुल जितना प्लस है इसके अंदर उतना ही माइनस है। तो ये क्या करेगा, ये प्लस आवेश इसके अंदर जितने निगेटिव होंगे अपने अगल बगल में ऐसे उतने जितने प्लस उतने निगेटिव को यहां पर खींच लेगा प्रेरण द्वारा। इसको कौन सा घटना बोलते हैं, प्रेरण। जब यहां निगेटिव आ गया तो उतना ही पॉजिटिव यहां पर क्या होगा, चला जाएगा। फिर यही घटना, अभी जब प्लस हो गया तो यह प्रेरण द्वारा इस पर क्या हो जाएगा, माइनस, और इस पर क्या हो जाएगा, प्लस। अब फिर यहां पर कहां से, बैटरी से उतना ही ऋण आवेश यहां पर आ जाएगा। ऐसे इस तरह से माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू सभी जो है चार्ज हो गए और सब पर बराबर बराबर आवेश हो गया। देख लीजिए, चाहे धारिता कुछ भी क्यों ना हो, आवेश सब पर बराबर बराबर, इसको हमने चार्ज दिया, इन प्रेरण द्वारा माइनस हो गया, जब माइनस हुआ तो ये प्लस हो गया, फिर ये प्लस हुआ तो प्रेरण द्वारा माइनस हो गया, फिर ये प्लस हो गया, ये प्लस हुआ तो प्रेरण द्वारा माइनस हो गया। इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। होता क्या है, अब यहां ध्यान देना है आपको, जब हमको ए से जाना है बी पर, तो ए से जब चलेंगे तो यहां पर जंप करना पड़ेगा, फिर यहां से जंप करना पड़ेगा, फिर यहां से जंप करना पड़ेगा। सबकी धारिताएं अलग अलग है, ये तो कोई जरूरी नहीं है कि सबकी प्लेट के बीच की दूरी बराबर बराबर हो। किसी के गैप हो अब कम हो सकता है, किसी में अधिक हो सकता है, तो किसी का क्षेत्रफल अधिक हो सकता है। तो ध्यान देना है आपको, कम गैप होगा तो कम एनर्जी लगेगी, ज्यादा गैप होगा ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसलिए ये जो विभवांतर का मतलब होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी, ऊर्जा, यही तो आपको आगे की ओर भेजता है। तो यहां पर हमने इसको पोटेंशियल दिया है भी यहां पर, लेकिन यहां से यहां तक जंप करेगा तो मान लेते हैं भी वन एनर्जी खर्च किया, यहां पर जंप किया तो भी टू एनर्जी खर्च किया, यहां पर जंप किया तो भी थ्री एनर्जी, बराबर बराबर एनर्जी खर्च नहीं करेगा, क्योंकि गैप सबका क्या क्या होता है, अलग अलग। सबकी धारिताएं क्या है, अलग अलग है। जब धारिताएं अलग अलग है तो गैप भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो एनर्जी, एनर्जी का मतलब देखिए आपको बताया गया है भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, तो डब्ल्यू बराबर भी क्यू, सब में क्यू क्यू बराबर है, इसलिए एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, ऊर्जा मतलब एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, भी पर। डब्ल्यू बराबर भी क्यू, क्यू सब में बराबर है, तो भी सब में ऊर्जा इसको पार करने में सब में ऊर्जा अलग अलग लगेगा, तो विभवांतर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहां पर भी वन हो गया, यहां भी टू हो गया, यहां भी थ्री हो गया। श्रेणी में क्या होगा, श्रेणी में सब पर आवेश बराबर होता है, सब पर आवेश, चाहे धारिता इसकी कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन विभवांतर क्या होता है, सब पर अलग अलग होता है। ये आपको मेन चीज जानना है। अब इसके बारे में थोड़ा नोट कर लीजिए, माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, बिंदु ए व बी के बीच का विभवांतर भी है, ए व बी के बीच का विभवांतर भी है। सेल से प्लस क्यू आवेश देने पर प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरी प्लेट पर प्रेरण द्वारा माइनस क्यू आवेश
आ जाता है या संचित हो जाता है। प्रत्येक संधारित्र के सिरे का विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 होगा। V1, V2, V3 होगा। कितना था टोटल? V का बंटवारा 3 भागों में हुआ, इसलिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 समीकरण नंबर 1। प्रत्येक संधारित्र के सिरे का विभवांतर एक का V1 होगा, एक का V2 होगा और एक का V3 होगा। अब देखते हैं V1, V2, V3 की वैल्यू। आप जानते हैं Q बराबर होता है CV, तो ये बताइए V बराबर क्या हो जाएगा? Q/C। पहले संधारित्र के लिए बोलिए V1 बराबर क्या होगा? V1, एक V1 है यहां पर, तो V और आवेश क्या है, Q धारिता कितनी है, C1, तो V1 बराबर Q/C1। इसी प्रकार V2 बराबर Q/C2, V2 बराबर Q/C2, V3 बराबर Q/C3। अब V1, V2, V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर V1 V2, V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो V बराबर Q1 के जगह पर देख V1 के जगह पर क्या लिखते हैं, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, या V बराबर Q का मान 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 समीकरण नंबर 2। अब हमें निकालना है इसकी तुल्यधारिता। तुल्यधारिता का मतलब तीनों को एक में मिलाएंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा। देखिए तीनों को एक में मिलाने पर, तीनों के एक में मतलब एक ही संधारित्र मान लिया जाए, केवल एक संधारित्र इतना बड़ा, इसकी धारिता C है, तो कितना आवेश देंगे इसको Q, और इसके सिरे का विभवांतर कितना होगा V, यानी Q=CV या V बराबर Q/C। तो लिखेंगे यदि संयोजन की तुल्य धारिता C हो तो Q=CV या V बराबर Q/C समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से देखिए, समीकरण 2 और 3 से तो यह हो जाएगा Q/C बराबर Q/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्यू से क्यू कैंसिल, आई हमारा फॉर्मूला आ गया 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारा श्रेणी संयोजन का फॉर्मूला निकला। श्रेणी संयोजन समांतर का भी देख लिया आपने, श्रेणी का भी, तो ठीक ऐसे ही इसमें भी नोट लिख दिया जाए। नोट में दो पॉइंट याद रहना चाहिए। नोट नंबर 1, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होता है और नंबर 2, प्रत्येक संधारित्र के सिरे का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है चाहे इसकी धारिता कुछ भी क्यों ना हो, 10 माइक्रोफेरेड हो, 50 माइक्रोफेरेड हो, 70 माइक्रोफेरेड हो, सब पर आवेश समान होगा, लेकिन धारिता क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी।
विभवांतर क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। अगर धारिता बराबर बराबर है तो विभवांतर भी इन दोनों का बराबर होगा। इसके बराबर तो नहीं होगा, इन दोनों का बराबर होगा, इसका अलग होगा। ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से आपने देखा श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन, इसको ठीक से नोट कर लीजिए।